What's up guys, this is your boy Asan here, back with another vlog, another video I should say. So guys, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है, मुझे हफ्ते में एटलीस्ट कोई 10 से 15 मैसेज आते हैं कि भाई बता दें फास्ट कैसी है, क्या मुझे फास्ट में जाना चाहिए, क्या मैं फास्ट में सर्वाइव कर पाऊंगा, या फिर समथिंग लाइक दैट, या समथिंग रिलेटेड टू फास्ट, या CS, के CS में जाऊं या ना जाऊं. तो आई हैव बीन आंसरिंग दिस क्वेश्चंस ऑल ऑफ देम एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन आस्क योर क्वेरी इफ यू स्टिल डिड नॉट फाइंड इट इन दिस वीडियो. सो गाइस एक तो यूनिवर्सिटी चूज करना होता ही बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लाइक टिल डेट अभी तक मेरे लिए कंफ्यूजिंग है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है. बट जब आप सेकंड ईयर से फारिग होते हो ना, एट दैट टाइम यू आर लिटरली अनअवेयर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, लाइक आपको कुछ भी नहीं पता होता कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी क्या है, अनलेस यू हैव बीन फॉलोइंग इट फ्रॉम बिफोर. तो मैंने कहा यार जरा इस प्रोसेस को, एटलीस्ट फॉर CS, क्योंकि मैं उस फील्ड का बंदा हूँ, इस प्रोसेस को जरा सिंपल बनाते हैं. थिंक आई शुड टेक ऑफ माय ग्लासेस बिकॉज वी कैन पास सम CS. Okay, let's first see which other university options do we have. Okay, never mind my bad writing, okay? Writing to meri kharab hai hi hai, lekin mujhe jis angle mein likhna pad raha hai na, it just made it worse. Bear with me. Okay, so these are the universities. They're well known, and at least I know them. So let's talk about them in a very different way. Let's see how do they compare. And ranking them all together just makes it very confusing, I would say. So मैंने कहा यार इनको ज़रा rank करते हैं, लेकिn in a different way, just exactly the way you guys wanted. So let's move on. Okay, so let's make 3 categories. Okay, so I just made 3 categories, future only, future plus life and life. और इनका मतलब क्या है? फ्यूचर का मतलब ये है कि 4 साल की जिंदगी में और कुछ हो ना हो, आपको 4 साल बाद अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, ग्रेजुएट होते ही अगले दिन से आपके पास जॉब, अगर आप ये सोचते हो तो ये कैटेगरी है. अगर आप सोचते हो कि यार 4 साल बाद जॉब भी मिल जाए, लेकिन यार 4 सालों में मजा भी आना चाहिए, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरी जिंदगी का बेस्ट हिस्सा होने वाला है, हो सकता है ये हिस्सा, यू नॉट गोइंग इन दिस कैटेगरी. और थर्ड वाला जो मेरे नीचे आ गया, नीचे इसलिए आ गया क्योंकि मेरे हिस्से में था ही नहीं, वो ये कि आपकी जिंदगी में सिर्फ फन हो, सिर्फ लाइफ हो, आपकी लेवल किस्म की एंजॉय हो, हर तरह का इवेंट हो, हर तरह का फन हो, फ्यूचर देखा जाएगा 4 सालों बाद. सो लेट्स पुट द यूनिवर्सिटीज इन देम. Let me give you a review of each university with every expect. Like first of all, हम शुरू करते हैं future वाली university से, fast से. fast की तो लेनी है class. fast से तो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा बड़ा rant है, मैं अगर शुरू हो गया तो पता नहीं कब खत्म होगा. Let's try to be comprehensive. fast में आपको यार एक छोटी सी चीज़ बताऊँ आपको, fast में और बाकी हर university में फर्क पता क्या है कि fast की faculty अच्छी है. नहीं. फास्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है. नहीं. फास्ट के पास टेक्नोलॉजी है. नहीं. फास्ट के पास रिसर्च है. नहीं. फास्ट के पास बिल्डिंग है, स्पेस है. फास्ट के पास स्टूडेंट्स अच्छे हैं. क्या है? कुछ भी नहीं. सिर्फ एक सीक्रेट है फास्ट का, बच्चों को तुन के असाइनमेंट्स दो, उनको सांस ना लेने दो, और असाइनमेंट्स जितनी मुश्किल हो सकती है उतनी मुश्किल बनाओ. दैट्स इट. सीक्रेट रेसिपी ऑफ फास्ट रिवील्ड. दैट शुड बी द टाइटल. But there are not many people trying to copy fast. Fast में ऐसे कि फैकल्टी कुछ खास नहीं है, कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं, कुछ फारिग टीचर्स भी हैं. एडमिन तो आप लोगों को पता है कि फास्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं लव्ज कुछ इस्तेमाल करना चाहूंगी, लेकिन फास्ट के कई एडमिन मेरी वीडियोस भी देख लेते हैं, तो आई डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल. क्योंकि अभी रिसेंटली फास्ट ने बच्चों को मीम्स, वही मीम्स जिनके बगैर हमारा दिन नहीं कटता है, जिनके बगैर हमारा क्वारंटीन नहीं कट सकता था, या जिनके बगैर हम डिप्रेशन के मरीज हो चुके होते हैं, उन मीम्स बनाने पर DC लगाई. DC होती है फास्ट की, के कहना के पनिशमेंट देना, ग्रेड कम कर दी है उनके, उनको एक एक सेमेस्टर के लिए एक्सपेल कर दिया है. जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं उनको ये वार्निंग दी है कि आपकी डिग्री कैंसिल कर देंगे, आप हमारे से सॉरी करें अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे. सीरियसली कुछ मेरे भी फ्रेंड्स से जानने वाले जो बहुत ही लाइट मीम्स बनाते थे, शुगली फन मीम्स, तो उनको भी DC लगी है, और उनका
कईयों को दिया है कि यार आप कूड़ा उठाओ यूनिवर्सिटी से। आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, यूनिवर्सिटी में ग्रेड लेने का तरीका गुड बिहेवियर है या फिर स्टडी है? अगर स्टडी है तो फिर बिहेवियर की बेस पे ग्रेड कैसे कम हो सकता है? बिहेवियर की बेस पे ग्रेड कम हो सकता है तो बिहेवियर की बेस पे ग्रेड बढ़ना भी चाहिए। लाइक जिनकी डीसी लगी है मीम्स बनाने पे एक ग्रेड कम हुआ है, तो फिर जिनकी डीसी नहीं लगी उनका एक ग्रेड बढ़ाओ, या फिर जिन्होंने फास्ट को अच्छा प्रमोट किया, फास्ट को अच्छा रिप्रेजेंट किया, उनका एक ग्रेड बढ़ाओ। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स फास्ट इफ यू आर वाचिंग। सेकंडली हम आ जाते हैं वर्क प्रेशर पे। जैसा कि मैंने बताया फास्ट की रेसिपी ही ये है, सीक्रेट रेसिपी, के जितना स्ट्रेस डाल सकते हो उतना डालो, बच्चों पे प्रेशर डाल ही जाओ, दे वुड इवेंचुअली लर्न समथिंग, और उन्हें कोई परवाह नहीं है कि किसी को डिप्रेशन भी हो सकता है या कोई एग्जॉस्ट भी हो सकता है। यूनिवर्सिटीज यूजुअली होती ही स्ट्रेसिंग है अप टू सम एक्सटेंट, फास्ट इज बियॉन्ड एक्सटेंट। तो इस यूनिवर्सिटी की जो डिप्रेशन से निकलने के लिए स्टूडेंट्स के पास ना एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, वो ये होता है कि सोसाइटीज ज्वाइन कर ली, कोई म्यूजिक में अच्छा है तो वो म्यूजिक में चला जाता है, किसी को एक्टिंग आती है तो वो एक्टिंग में अपने परफॉर्मेंस देता है, कोई स्पीचेस में अच्छा है तो वो डिबेट्स करता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सो ऑन, वो ये चीजें इन चीजों पे जाता है कि माइंड रिलैक्स करता है। ट्रिप्स की तरफ जाते हैं, ट्रिप्स जाते हैं यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स के एंड पे, कि यार जितना बंदा सेमेस्टर में एग्जॉस्ट हुआ है वो सब प्रेशर को रिलीज कर सके ट्रिप पे। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार उर्दू के एसेज, इंग्लिश के एसेज ट्रिप्स पे, कि ट्रिप्स के कितने फायदे हैं, हमें बचपन से पढ़ाया। यूनिवर्सिटी कहती है कि ट्रिप्स जाने नहीं चाहिए, फास्ट की एडमिन कहते हैं कि ट्रिप्स नहीं जाने चाहिए, और ट्रिप्स अगर जाने हैं तो एक शहर के अंदर ले जाओ या फिर घंटे डेढ़ की ड्राइव पे ले जाओ, लाहौर के अंदर एक जगह से दूसरे के जाने में घंटा लग जाता है। आप म्यूजिक के बंदे हो तो फास्ट कहती है कि आप सीएस करने आए, आपका म्यूजिक से क्या तल्लुक है, यहाँ पे म्यूजिक का कोई काम नहीं, आप पढ़ो। फास्ट की एडमिन की सोच ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जरूरी है, साउंड माइंड लाइज इन साउंड बॉडी, तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फास्ट कहती नहीं ऐसे नहीं, आप अपने सारा फोकस पढ़ाई पे रखो, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ जाओगे तो आप लोग डिस्ट्रॉय हो जाओगे, आप लोग डिसलीव इट, ये तो यहाँ हो ही नहीं सकता। और देखा जाए तो फास्ट का फी स्ट्रक्चर, जितने ये फंड्स इकट्ठे करते हैं उन सब चीजों में, एक हमारे दोस्त ने पोस्ट लगाई हुई थी कि कैलकुलेशन की हुई थी कि फास्ट कितना स्पेंड करती है और कितना फास्ट लेती है स्टूडेंट से एज एक्टिविटीज फंड, तो दैट वाज टोटली अनबैलेंस्ड शीट। हमसे एक्टिविटीज फंड भी ले जाते हैं और हमसे इवेंट के लिए भी फंड लिया जाता है अलग से, इवेंट टिकट, बहुत सी दफा इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज करके सोसाइटी को इजाजत दे के एंड मोमेंट पे एक दिन पहले कैंसिल किया जाता है ताकि सोसाइटी और जो स्टूडेंट्स हैं वो फुली डिस्करेज हों कि यार आइंदा करने ही। फास्ट के अंदर सोसाइटीज, हर यूनिवर्सिटीज में सोसाइटीज बड़ी पावरफुल होती हैं और फास्ट के अंदर सोसाइटीज दे जस्ट अपना ही एग्जिस्ट, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं है, जबकि हर दूसरे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के हॉबीज को या स्टूडेंट के दूसरे टैलेंट्स को एनकरेज किया जाता है, फास्ट में डिस्करेज किया जाता है। कोई प्लेग्राउंड नहीं है यहाँ पे, कोई अच्छा कैफे नहीं है यहाँ पे, कोई अच्छे वॉशरूम्स नहीं है यहाँ पे, कोई अच्छा क्लासरूम्स जस्ट ओके हैं, इंटरनेट यहाँ पे काम नहीं करता फास्ट में, यहाँ तक कि टीचर्स फास्ट के इंटरनेट को बोल रहे होते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है फास्ट का फ्लेक्स, वो जो है बिल्कुल फारिग स्लेट है, वो उससे भी ज्यादा, वो तो कभी चलता और कभी नहीं चलता, अल्लाह के भरोसे होता है। आई रिमेंबर इन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही मेड बेटर वेबसाइट्स देन फ्लेक्स व्हिच वर वेरी वेरी एक्सट्रीमली चीप, स्टिल दे कुड हैंडल 10 टाइम्स और मे बी 100 टाइम्स मोर यूजर्स देन द यूजर्स ऑफ फास्ट, जो कि तकरीबन 3-4 हज़ार से ज्यादा है। सो एनफ ऑफ फास्ट, लेट्स जस्ट गेट ओवर फास्ट, ये फास्ट के रोने बहुत लंबे हैं, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते, मतलब जैसे आपने वो देखी है ना 3 डेट्स, लाइफ इज रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बीटन अप लाइक निंदा, दैट्स फास्ट। अच्छा फास्ट को हम और लिहाज से देखें तो यार फास्ट में जरा मॉडर्न लोग हैं, नॉर्मल मीडियोकर मॉडर्न लोग हैं, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, बाकी माहौल शहर के लिहाज से फास्ट ठीक है। इफ यू अप्रोच अ स्ट्रेंजर गर्ल इट्स नॉट गोना बी ओके, शी इज नॉट गोना रिस्पॉन्स नॉर्मली। फास्ट का सिर्फ ये है कि आप फास्ट की डिमांड है मार्केट वैल्यू डी। Just to keep this video short, I'm just gonna end it here. End this fast rant here. अच्छा अब आप सेकंडली आ जाते हैं PUCIT। PUCIT की डिग्री की वैल्यू भी है, जस्ट नॉट एज क्लोज टू फास्ट, लेकिन डिग्री की वैल्यू है, कंसीडर होती है। फैकल्टी अच्छी है इनकी, बुरी भी है अच्छी भी है, यहाँ पे जरा फेवरिज्म चलती है, मिन्नत चल जाती है, जो कि फास्ट में नहीं चलती बिल्कुल। यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे भी इवेंट्स ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फास्ट से फिर भी ज्यादा ही होते हैं, और यहाँ पे जरा मॉडर्निज्म काफी कम है, लाइक रियली कम। वैसे बिला वजह का प्रेशर नहीं है, स्टूडेंट को एग्जॉस्ट नहीं करते, तो PUCIT इज लाइक ए गुड ऑप्शन, बट नॉट इवन close to fast, I would say. लेकिन ये भी आपको अच्छा फ्यूचर देती है स्किल्स का।
ओके हमारे पास आ जाती है कैटेगरी टू जिसमें हमारे पास है लम्स नस एंड कॉम्स. ठीक है, अब इस कैटेगरी का ये मतलब नहीं है कि यहाँ वाली जो लोग हैं इनको जॉब नहीं मिलेगी. इनको जॉब भी अच्छी मिलेगी, इनका फ्यूचर भी बहुत सिक्योर है, इनकी यूनिवर्सिटी लाइफ भी बहुत अच्छी. लम्स है ये लम्स का मैं लम्स लाइक लम्स इज ओपी. लम्स में आपको पास कोई कौन नहीं है एक्सेप्ट फी और कोई कौन नहीं. इफ यू कैन गेट इन टू द लम्स सी एस बेस्ट है, जॉब आपको फॉरन मिलेगी, इवेंट्स है, फैकल्टी अच्छी है, जस्टिस है, आपको एग्जॉस्ट नहीं होने देंगे, इंजॉय भी करवाएंगे, आपको स्किल्स भी सिखाएंगे, लाइक एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. इट जस्ट हैज इट ऑल. अगर आप जाना चाहते हो ना कि मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी जाना है जहाँ पे लाइक इट्स परफेक्ट यूनिवर्सिटी, दैट्स लम्स, दैट्स इट. उसके बाद हमारे पास आ जाती है नस. नस की डिग्री वैल्यू बहुत अच्छी है, नस की बहुत डिमांड है, नस की फैकल्टी बहुत अच्छी है, नस में नस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी स्किल सेट्स बहुत ही अच्छे हैं, लेवल किस्म के. नस का जो नाम है वो भी बहुत अच्छा है और नस की इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ ए प्लस है. लेकिन लम्स और फास्ट में मैं कहूंगा सिर्फ ये डिफरेंस है कि नस स्टूडेंट्स को उतना एग्जॉस्ट नहीं करती जितना फास्ट करती है, और नस इंजॉय भी करवाती है अप टू सम एक्सटेंट. अब आ जाते हैं हम कॉमसेट्स पे. कॉमसेट्स में आपका थोड़ा लाइफ ज्यादा है और फ्यूचर कम है, बट स्टिल आप काफी यूनिवर्सिटी से अच्छे हो, आपको अच्छा स्किल्स आते हैं, वहाँ की फैकल्टी अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी है, आप स्किल्स सीखते हो बट नॉट लाइक यू आर एक्सपर्ट. और इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन होते हैं, और आपके ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, आपके इतना स्ट्रेस नहीं होता, आप एग्जॉस्ट नहीं होते, एंड यू आर जस्ट इन दिस मिडिल लाइन, लाइक यू आर नॉट गोइंग फॉर द एक्सट्रीम हार्ड वर्क, नॉट यू आर नॉट गोइंग फॉर द एक्सट्रीम फन, यू आर जस्ट इन द मिडिल. तीसरी कैटेगरी में हमारे पास आती है UOL, UCP, UMT, FC College, BNE. UET भी, UET को मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस कैटेगरी में डालूं, बिकॉज UET का नाम बहुत चलता है लेकिन UET का स्किल लेवल नहीं, तो CS UET का जरा, तो इसको जैसे आप किसी भी कैटेगरी में समझ लो इन दोनों में से, लास्ट टू में से. तो हम शुरू से शुरू करते हैं UOL. ठीक है, UOL की जो फैकल्टी है वो काफी अच्छी है. UOL में आपको इवेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे काफी डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपको हर तरह की चीज मिलती है, आप हर तरह का एंजॉय करते हो. उसके अलावा आप पे प्रेशर नहीं है, ट्रिप्स, हर चीज, इवेंट्स, शुगर, फन, अप टू सम एक्सटेंट स्किल्स भी आपको सिखाते हैं. फिर आती है जी UCP का. यार फन साइड ज्यादा है, शुगर ज्यादा है. UCP भी थोड़ा स्ट्रेस डालती है स्टूडेंट्स पे, बट उनका स्ट्रेस नाम का होता है ज्यादा, इजीली पास कर जाते हो आप सेमेस्टर. लेकिन ये UCP का, क्योंकि न्यू यूनिवर्सिटी, इसका भी इतना नाम नहीं है तो डिमांड वाला सीन नहीं है इसका. UCP जरा ज्यादा आपको एंजॉय भी करवाती है और आपको डिग्री भी देती है. तो हमें बचती है FC. FC में ज़्यादा, FC का नाम नहीं बिल्कुल भी, FC में भी ये सीन है कि आप इजीली सेमेस्टर पास कर लेते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है सेमेस्टर पास करना, इतना कोई हार्ड सीन नहीं है, स्टडी को बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस अगर आप खुद सीखना चाहो तो आप सीख लेते हो, वरना अल्लाह मालिक. उसके बाद आपके पास क्या आता है, UMT. UMT का मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन UMT का टीचर ठीक है, फैकल्टी ठीक है, नॉर्मल है, स्टडी भी नॉर्मल है, स्किल लेवल भी नॉर्मल है, इंजॉय भी हो जाता है, इवेंट हो जाते हैं, अच्छे कैफेज हैं. ये UCP, UOL और इनमें कैफेज वगैरह बहुत अच्छे, लम्स में बहुत अच्छे, नस में भी ठीक है. UMT के मैंने दोस्त फ्रेंड ऑफ फ्रेंड से पूछा था कि यार अपना यूनिवर्सिटी का जरा बताओ, तो उसने मुझे बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, वो मैं कुछ सेकंड्स के लिए यहां लगा दूंगा. BNU का भी सेम सीन है, ज्यादा एंजॉय है, ज्यादा यूनिवर्सिटी लाइफ है, चिल्स है, स्टडी पे स्ट्रिक्ट फोकस नहीं है, अगर आप खुद स्किल सीखना चाहो तो सीख सकते हो. सो बेसिकली इफ यू आस्क मी, UCP, UOL और UMT को मैं एक कैटेगरी में रखता हूँ हमेशा, कि ये तकरीबन सेम है. FC, BNU जरा उनसे नीचे आ जाती है, लेकिन यहाँ पे लाइफ काफी अच्छी है. तो अब मैंने ये ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी को कवर कर लिया, और आपको आइडिया होगा कि आपको क्या चाहिए और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी क्या दे सकती है. अब जरा फीस की बात कर लेते हैं. जो PUCIT की फीस तो बहुत कम है, लाइक मेरे ख्याल से 20-30 हज़ार का सेमेस्टर है, ये पता नहीं इस तरह करके बहुत नीचे. फास्ट में आपकी सेमेस्टर फीस 1.5 लाख के करीब होती है, 1.5 से 2 के करीब बीच में, पहला सेमेस्टर तो डिपेंड करता है. लम्स की जो फीस है वो तकरीबन फर्स्ट सेमेस्टर की मेरे ख्याल है 4.5 से 5 लाख है, और उसके बाद 4 लाख, 4.25, 4 इतनी.
उसके बाद नस्ट है, नस्ट का मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन नस्ट की भी काफी फीस है, वो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। कॉमसेट्स की फीस भी मेरे ख्याल 1 लाख के करीब है, 90,000 1 लाख की। उसके बाद आपके पास आती है UMT की 2-2.5 लाख है, UCP की भी इतनी ही है, UOL की मेरा ख्याल है 1.5 से 2 के दरमियान है, इफ एम नॉट रॉन्ग, उनकी वेबसाइट पे जरूर लिखा हुआ। तो भाई मैं यूनिवर्सिटीज के मेरिट के बारे में बात करना भूल गया था और एक यूनिवर्सिटी रहेगी। तो फास्ट में एडमिशन के लिए फास्ट का अपना टेस्ट देना पड़ता है जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं होता, तैयारी करके जाओ तो हो जाता है अच्छा। आपके टेस्ट के मार्क्स, फर्स्ट ईयर के मार्क्स और मैट्रिक्स के मार्क्स में आके एग्रीगेट बनता है, जो कैलकुलेट करने का तरीका उनकी वेबसाइट पर दिया है, वहाँ जाकर देख लो। अगर वो एग्रीगेट आपका 69-68 से ऊपर बन जाता है तो आपका फास्ट में एडमिशन हो जाता है। PUCIT का भी अपना टेस्ट होता है और फर्स्ट ईयर मैट्रिक मिला के एक एग्रीगेट बनता है और आपका हो जाता है अगर आपके टेस्ट में 70-80% मार्क्स आ जाएं। लम्स के लिए आपको सैट का टेस्ट देना पड़ता है जिसमें अगर आपके 1300 मार्क्स आ जाएं तो आपका कन्फर्म एडमिशन है, अगर 1200 से ऊपर आ जाए तब भी आपका चांस है, लेकिन उसके साथ आपको लम्स का अपना टेस्ट भी देना पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर मैट्रिक इन सब चीज़ों को मिला के उनका अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करने का तरीका है जो कि किसी को नहीं पता। उसके बाद आपके पास आ जाता है नस के नेट 1, नेट 2 या नेट 3 में किसी में भी आपके अगर आपके 126 या 130 से ऊपर मार्क्स आ जाए तो आपका CS में कन्फर्म एडमिशन है। उसके बाद आपके पास बचिए UOL, UCP, UMT, FC, BNU, इनमें आपको बस अप्लाई करो, टेस्ट में पियर हो जाओ और एडमिशन हो जाएगा। UET के लिए आपको ECAT देना पड़ता है और ECAT मिला के अगर आपका टोटल एग्रीगेट 72-70% बन जाए तो आपका CS में हो जाए। सो ये होगी मेरिट के बाद। एक यूनिवर्सिटी रह गई थी वो थी ITU। ITU को मैंने इसलिए अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया था पहले क्योंकि ये एक इमर्जिंग यूनिवर्सिटी है, इनके पास फैकल्टी इन्होंने बहुत अच्छी रखी है बट इनका बहुत ही छोटा सा कैंपस है। अभी इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है क्योंकि अभी किसी को नहीं पता ITU क्या प्रोड्यूस कर रही है, ना इनका मार्केट में भी नाम बना है, तो दैट्स जस्ट रिस्क इफ यू वांट टू टेक, बट फैकल्टी वहाँ की बहुत अच्छी है इसलिए मैं उसको रखूंगा फ्यूचर वाली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ पर भी लाइफ नहीं है ज्यादा खास क्योंकि बहुत छोटा कैंपस है, लेकिन वहाँ का फ्यूचर भी अभी तक अनडिसाइडेड है। अब आप लोगों में से जो कुछ लोग होंगे जिनको मैं कुछ कहता हूँ लेकिन मैं भी नहीं कहूँगा, वो ये सोच रहे होंगे कि यार मतलब हमने फ्यूचर ना बनाया तो हमारा तो कुछ भी नहीं बनेगा। सो लेट मी क्लेरिफाई दिस वन थिंग। CS कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की कोई भी फील्ड हो, वो बहुत ही वर्सटाइल, फ्लेक्सिबल और बहुत ही एक डिफरेंट तरह की फील्ड है। मतलब उसमें आपके लिए पहली बात तो ये है कि आपका अदारा या आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर यू स्टडीड फ्रॉम, डजंट काउंट। व्हाट काउंट्स इज योर स्किल। अगर आप लाइफलेस फ्यूचर वाली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो या फिर लाइफ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, स्टिल अगर आपके पास स्किल है, एंड क्वेरिंग स्किल इज नॉट वेरी हार्ड, क्योंकि जब आपके पास स्किल होंगे ना आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता जॉब लेने से, दैट्स इट। फिर मतलब फिर किस बात की बहस है, आप क्यों अपनी 4 साल बर्बाद करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ इज द लास्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट एंजॉयबल एंड मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट जस्ट गिव अप ऑन इट। आई एम टॉकिंग टू यू ऑल पर्सन्स, आई एम टायर्ड, 4 o'clock in the morning. So according to me, degree is just a kickstarter for you. आप फास्ट से अब ग्रेजुएट हुए हो, कॉमसेट से हुए हो या आप UOL या UCP से हुए हो, आपको डिग्री से एक kickstart देगी। जितना आपके पास स्किल है, जितना आपने सीखा है, जितना आपने अपने आपको डेवलप किया है, खुद अपने आप पे काम किया है, वो मैटर करेगा, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करेगा। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो डिग्री को कंसिडर ही नहीं करती, वो कहती हैं शो अस योर स्किल एंड वर्क विद अस। एंड आई हैव फ्रेंड्स हु बिफोर स्टार्टिंग द यूनिवर्सिटी वर अर्निंग फ्रॉम प्रोग्रामिंग, मतलब उनको पहले ही आती थी, दे वर अर्निंग फ्रॉम इट, उनको तो यूनिवर्सिटी आने की जरूरत ही नहीं थी, दे कुड डेवलप इट ऑल देमसेल्फ, बट डिग्री एक वैलिडेशन पेपर के आई हैव इट, मतलब कि आप डिग्री की तरफ से भी मुझे कुछ नहीं कह सकते, वो भी है मेरे पास। सो थैंक्स फॉर हियरिंग माय टेड टॉक, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर स्टिल अराउंड। अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लोग डिफरेंट मैसेजेस करते हैं तो मैंने सोचा यार क्यों ना ज्यादा लोग मुझसे चीजें पूछते हैं उनके बारे में मैं बताऊं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना वो ये होते हैं कि यार जब CS के लिए जाते हैं, जो मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि यार CS करें, SE करें या CE करें। तो CS होता है कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तकरीबन पढ़ाए जाते हैं कि हाउ डू दे वर्क टुगेदर, ठीक है। उसके बाद आता है SE जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसमें आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, शायद थोड़ा बहुत आपको हार्डवेयर पढ़ाया जाता हो लेकिन बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें आपको मैक्सिमम हार्डवेयर पढ़ाया जाता है लेकिन सॉफ्टवेयर थोड़ा सा आइडिया दिया जाता है कि हार्डवेयर को चलाने के लिए कितना सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इस तरह जो CS है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि आपको दोनों चीजों का अच्छे से आइडिया होता है कि आप क्या काम करें। तो इसलिए मैं ज्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि यार आप CS की तरफ जाओ क्योंकि डिमांड काफी है इसकी। फिर उसके बाद लोग काफी पूछते हैं कि यार मैं FSC से आ रहा हूँ या मैं ICS से आ रहा हूँ तो मुझे FSC से आने में मुश्किल होगी प्रोग्रामिंग की तरफ, CS की तरफ। तो टू बी ऑनेस्ट यार, अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, लगा आपको शौक भी नहीं था, फिर तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप फोकस करोगे तो ये मुश्किल 1 से 2 महीने से ज्यादा नहीं रहेगी, आपको सब कुछ आ जाएगा। फास्ट में पहले सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, लेकिन बाकी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में पहले सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाई जाती, दूसरों में पढ़ाई जाती है। तो उससे
आपको काफी आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर आपका एक ऑप्शन था सीएस पहले भी, आपने सोचा हुआ था आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से आइडिया है, या फिर कुछ भी पता है कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट रहा है बचपन से, तो आपको समझ आ जाएगा, इतना कोई मसला नहीं। GPA पास का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आपको GPA नहीं मिलता पास में। अगर आप किसी भी और यूनिवर्सिटी में हो पास के अलावा, जितनी मैंने आज आपको यूनिवर्सिटीज बताई हैं, और अगर आप उसकी यूनिवर्सिटी की जगह पास में होते तो आपका CGPA 0.8 से लेके 1 GPA तक कम होता। अगर आपका लम्स में 3.8 है तो पास में आपका 3 होना, अगर आपका UCP में 4 है या फिर 3.8 है तो पास में आपका 2.7 या 2.8 होना। इतना फर्क है, और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेड बड़े मुश्किल लिए जाते हैं। यहाँ पे F तो ऐसे मिलता है ना, एफ तो ऐसे के देने ही देने इन्होंने, मतलब कि बच्चे फेल करने ही करने। 360 के बैच में से शायद 80-90 डिग्री ले पाते हैं 4 साल बाद। कि मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उसके 58 मार्क्स पे एफ है, एक सब्जेक्ट में उसने 58 मार्क्स स्कोर किए जिसमें उसका एफ है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के अपने प्रोस्पेक्टस तक में लिखा हुआ है कि इन एनी सिचुएशन 50 मार्क्स पे आपको एफ नहीं मिलेगा कभी। 58 पे एफ दिया, इतने गिरे हुए, इतनी गिरी हुई यूनिवर्सिटी। ओके, लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। इवेंट तो होते ही नहीं है, और कोई हो जाए तो वो इतना कोई फारिग फजूल किस्म का होता है। अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि यार फास्ट में अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ और कर सकते हो, अगर आपका कुछ और प्रोग्रामिंग टाइप है फिर तो इजीली कर सकते हो। मेरी तरह अगर आपने वीडियोस बनानी तो आपको मेरी तरह बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फास्ट के साथ वीडियोस बनाना इज ए रियल चैलेंज। And still you guys don't even like the video. तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब दबा देना। यूजुअली मेरी वीडियोस बहुत एनर्जेटिक और फन होती हैं, बट ये वीडियो बनानी जरा जरूरी हो गई थी जितनी रिक्वेस्ट आ रही थी। और मैं काफी यूनिवर्सिटीज में भी जाता रहता हूँ और उनके ब्लॉग्स भी करते रहता हूँ। जिस तरह मैं लम्स गया था, UET गया था, PAFD गया था, एंड FC गया था, उसका ब्लॉग नहीं किया, एंड अलॉट मोर में भी जाने वाला हूँ मैं, काफी और भी मेरे प्लान है। तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो, और अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है उसके साथ भी शेयर कर दो, उसको भी हेल्प मिल जाएगी। एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। स्टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टे होपफुल, लिव लाइफ। सी यू गाइज नेक्स्ट।